Shaykh Atiq. I am from Madina Missionary School. I am from 10th class. I am here today in our school then organizing food festival. So my dish is chicken sandwich. My star name is Maya Chicken Sandwich. So I am going to say my recipe about my sandwich, how I prepare. See, there is capsicum chicken and capsicum chicken and mayonnaise and ketchup and bread. With this I am making a sandwich on the pot, and it is getting diverted shortly on the sheet. It is not costly also, it is cheap, only just for 10 rupees. सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है. पिछले 8 दिन से इसके तैयारियां चल रहे थे, लेकिन आज एक प्रोग्राम रहा है हमारे पास, फूड फेस्टिवल. हर साल की तरह ये फूड फेस्टिवल हम आज मना रहे हैं. पिछले 5 साल से ये फूड फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां, जो 9th क्लास और 10th क्लास के लड़कियाँ पार्टिसिपेट हैं, इनको कुकिंग की टेक्निक, इनके सलाहियतों को उभारने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं. और इस प्रोग्राम में आज नियरली 75 स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 10 आर पार्टिसिपेटिंग. और उन लोग अपने खुद ही से नए नए किस्म के पकवान, जैसा कि हैदराबादी बिरयानी, हलीम, पानीपूरी, चिकन टिक्का वगैरह वगैरह पकवान पका के लेके आए हैं. और अभी तक पूरे पेरेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन पूरे पेरेंट्स 3:30 तक टाइम रखे हैं हम लोग, इसलिए 3:30 तक पूरे पेरेंट्स आ जाएंगे. लास्ट टाइम भी बहुत ग्रैंड सक्सेस हुआ है, इसलिए मैं पूरे करेस्पॉन्डेंट्स को भी दावा दिया था. कई करेस्पॉन्डेंट आगे गए, हमारे हुसाम भाई जो 99 टीवी के डायरेक्टर हैं, वो अभी अभी आए हैं. उन्होंने भी बहुत खुश हुए ये प्रोग्राम देख के कि बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है. तो ऐसे ही प्रोग्राम ओल्ड सिटी में करने की बहुत ज़रूरत है,
क्योंकि बच्चियों की पढ़ाई के साथ साथ फ्यूचर में जब उनकी मैरिज हो जाएंगी, जब उनको ये पकवान बहुत काम में आएगा, ये छोटे छोटे टेक्निक्स जिसमें हमारे टीचर्स गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा रहना था, ये चीज़ ऐसा रहना था, माशाल्लाह से हर पकवान टेस्टी रहा है और हर करेस्पॉन्डेंट और हर पेरेंट इस प्रोग्राम की तारीफ करके जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि हर बच्ची का खुश नसीबा हो और हर बच्ची अपनी ज़िंदगी में कामयाब। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मदीना मिशन हाई स्कूल जहनुमा में एक फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो पिछले 5 साल से ये प्रोग्राम मनाया जाता है। उसी सिलसिले में आज 13 नवंबर 2019 को ये प्रोग्राम हो रहा है फूड फेस्टिवल का, जिसमें 75 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना पब्लिक हाई स्कूल जानुमा में खालिद भाई के पास एक स्कूल के तलबा और तालिबात के लिए एक फूड फेस्टिवल्स कंडक्ट किया गया है और ग्रैंड लेवल पे हुआ है और काफ़ी बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं और बहुत ही अच्छे डिशेस यहाँ पर बच्चे प्रिपेयर करें, स्वीट डिशेस और मीठे और बिरयानी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के, जो आप इस वीडियो क्लिप्स में भी देखेंगे। और कहने का मकसद ये है कि हमारे अभी खालिद भाई बताएँ कि बच्चों की जब शादी हो जाएंगी, वो जो शादी हो जाएंगी के बाद उन लोगों को जो परेशानियाँ बच्चों के लिए, अगर फूड की प्रिपरेशंस की नॉलेज ले रही, वो नॉलेज भी ये मदीना मिशन हाई स्कूल्स में दी जा रही है, ताकि बच्चों को ज़िंदगी के कौन से भी शोबे में, ज़िंदगी के कौन से भी मुकाम पर उन लोगों अपना लोहा मनवा सके और अपने आप को सक्सेसफुल कर सके, कामयाबी उनकी कदम चूमें। बच्चों की स्कूल के एजुकेशन के साथ साथ कई अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह दिए जा रहे हैं और कई क्या बोलते हैं कंप्यूटर स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश, जॉब प्लेसमेंट्स के और मेडिकल कैंप्स और ऐसे फूड फेस्टिवल्स कैंप्स, ऐसे कई एक्टिविटीज़ क्या बोलते हैं इवेंट्स यहाँ पे खालिद सर करते हैं, ताकि बच्चे एजुकेशन से बोर ना हो, ये दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और ये स्कूल शमा टागिस के पास है, बिल्कुल सक्सेसफुल है और यहाँ के अवामुन्नास अतराफ और अकनाफ के बच्चों से भी अपील की जाती है कि इस स्कूल से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं।